तो गाइस आप लोगों ने तो गाइस कभी ना कभी पटाखा फोड़ा ही होगा। गाइस बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पटाखा का शौकीन था और मैं गाइस बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ता था। गाइस अभी भी फोड़ता हूँ। गाइस अभी दिवाली गया, गाइस दिवाली में मैंने बहुत सारे पटाखा फोड़ा। गाइस जब मैं बचपन में बहुत ज़्यादा छोटा था, तब मैं गाइस एक बम के अंदर से बम को पकड़ के इसके अंदर आग लगा देता था, वो भी हाथ से। कभी कभी क्या होता था गाइस, वो जो बम है वो ब्लास्ट कर जाता था मेरे हाथ के आसपास, ठीक है। बस काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है पटाखा को लेके। और गाइस मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आज ये वाला भी है। मतलब आज जो है ना, हम एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिस सिस्टम से जो है हम दूर से पटाखा को फोड़ सकते हैं, चाहे वो कितना छोटा से छोटा, कितना बड़ा से बड़ा पटाखा क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आज एक हम एक सिस्टम को बनाएंगे। इस सिस्टम में आपको एक भी रुपये नहीं लगने वाला है, तो इसको आप घर पर भी बना सकते हो। इस सिस्टम के बारे में मेरे को जब से पता चला, तब गाइस तब से मैंने भाई दूर से पटाखा फोड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं दूर से ऐसे इसको 3-2-1 बोल के पटाखा फोड़ना लगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। गाइस बहुत रिस्क होती है अगर किसी पटाखा के पास जाते हो, किसी बम के पास जाके आग लगाते हो, तो कभी वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आज कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया मतलब आपको जानने के लिए मिलेगा इस चीज़ से। और इसमें आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है एक भी रुपये खर्च हो सकता है, लेकिन एक रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो चलो इसके बनाते हैं। तो फ्रेंड इसको बनाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वायर का। आप सिंपली एक वायर का भी यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइक्रोम वायर का। गाइस ये आपको मार्केट में 5 से 6 रुपए में मिल जाएगा। तो गाइस मैं इस नाइक्रोम वायर के छोटे से टुकड़े का ले रहा हूँ, क्योंकि हमको छोटे सी टुकड़े का यूज़ में लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको किस तरीके से इसके अंदर जो है कनेक्शन करनी है। तो इसके अंदर गाइस एक वायर के ऊपर एक मतलब वायर का छोरा को इस तरीके से लपेट देना है। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ गाइस, आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको गाइस इसको लगाने के बाद गाइस हम जो है गाइस यहाँ पे ये लग चुका है, तो दूसरी वाली वायर पे भी इस तरीके से जो है हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलो गाइस इसको मैं अभी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कनेक्शन अभी हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस हम लेंगे एक मैच बॉक्स का, जो कि 1 रुपये में आता है, आपको पता ही होगा। तो चलो इसमें से जो है गाइस हमको एक माचिस का तिल्ली को यूज़ में लेना है। तो गाइस मैं इसको अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको जो है ना, इसके ऊपर हम एक कट का निशान देंगे। तो चलो इसको जो है कट का निशान यहाँ से मैं दे लेता हूँ। तो ये गाइस इसमें क्या होगा ना, ये जो नाइक्रोम वायर हम लगाएंगे ये इसके अंदर लगेगा, तो इसलिए हम इसको जो है ना अभी कट कर रहे हैं थोड़ा सा बीच में से। आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये गाइस ये किस तरीके से हमने इसको जो है काटा है। बस थोड़ी सी बस स्क्रैच करनी है, बस आपको इस तरीके से कुछ करना है। तो हम यहाँ पे गाइस इसको जो है ना, इस जो कट मारे थे इस बीच में, इसको बीच में हम नाइक्रोमार को लगा के इस तरीके से गाइस आपको उसके अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इस टाइप से कुछ इसको जो है लगाना है। तो उसके बाद हमको यहाँ पे गाइस, ये तो हमारा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है प्रोजेक्ट। तो मतलब ये सिस्टम तो हमारा बन ही चुका है। तो हम यहाँ पे जो है ना एक वायर टेप का यूज़ करेंगे, जो हमारा ब्लैक टेप या फिर जो हम वायरिंग के ऊपर जो टेप यूज़ करते हैं, उस वायरिंग टेप का हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। तो चलो गाइस इस टेप का मैं यूज़ में लेता हूँ और इसको जो है ना यहाँ से लगा लेते हैं। तो गाइस ये अभी जब लग जाएगा तो गाइस ये टाइटली यहाँ पे लग चुका है, तो इसको गाइस यहाँ पे जो है कट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा फाइनली प्रोडक्ट तो अभी बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये किस तरीके से ये जो अभी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस इसको जो है हम चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा बेसिकली एक रेटोनेटर सिस्टम है। इससे जब इसको जब प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा मेकानिज्म काम करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होता है। तो चले गाइस इसके अंदर जो है मैं अभी इसको जो है स्विच को ऑन कर लेता हूँ। चले गाइस हम 3-2-1 बोलेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन 3-2-1। तो गाइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारा मैच बॉक्स जो है जला, मतलब मैचेस किस तरीके से जला। गाइस ये एक अच्छा इग्निशन सिस्टम है, आप इसको रॉकेटरी में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पटाखा को फोड़ने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। दूर से फोड़ेंगे इसको गाइस, आपका सेफ्टी बनी रहेगी और आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। गाइस काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।